फाइनली आ गए लोकेशन पर जहाँ आना था। चोट लग चुका है, बड़ा टेंशन हुआ यार। ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, पेड़ का ही है सीधे। ये ऐसे ऐसे कितने कपड़े और लिए हुए हम लोग को, लगभग 4-6 पीस होगा सब कपड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज ना हम लोग सुबह सुबह पूरा परिवार तैयार हो गए हैं। इसके पीछे रीजन है जो आपको पिछला ब्लॉग में शायद हमने शेयर भी किया था। तो ये देखिए सब हड़बड़ी में है, पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। और साथ में इधर डोगू साहब एकदम तैयार होकर टीवी बंद चालू कर रहे हैं। यहाँ पर रूबी, नीलम और हमारे मामू कृष्णा जी बना दिए हैं। ओहो, ए उसे सुता किसे रखे हो? ये देखिए हमारे भैगने का नया लुक एकदम। ये अभी खोल दो यार, खोल दो, अच्छा ठीक है, उसको खोल दो यार, अभी बच्चा पका जाएगा। हाँ छोड़ दो, कोई बात नहीं, सोते दो अभी। लेट हो गया ना बहुत ज्यादा। निकल गया दोस्तों नाश्ता, और अभी दूर साहब को लगी भूख, पकौड़ी दबाया जा रहे हैं। रोटी वाला में लेके आ गए भैया। तो क्या कर रहे यार, हड़बड़ी सबको है। मैं अभी निकाल प्लेट में, जो खाना फटाफट खाओ निकलो फिर। अब बबीता सिर्फ सामान सरियाने के ऊपर लगी हुई है। सारा क्रेडिट बबीता को जा रहा है, क्योंकि परेशान है सब पैकिंग करने में। फिर फटाफट से खाओ, देखना मुंह नहीं है, पानी पियो। पिंटू जल्दी से लेट नहीं करो। हो गया, हो गया। अरे गाड़ी निकाल, चलो गाड़ी निकालो तो। और सब बैग सब रखो, और जो भी सामान सब सुन नहीं रही, सबको पैकिंग कर लीजिए, वहीं पे खा लीजिए। हां भाई पैकिंग करो, पैक करो फटाफट से। चलो डुगु बेटा, तुमको लेट नहीं है ना, टाइम नहीं है मां। और ये अभी साजे जा रहे हैं, अपने खाना को पैक किए जा रहे हैं। उपाय लगा दिए तो फटाफट डाल दे रहे हैं, टाइम नहीं है। खाना भी आ गया, दवा भी आ गई, दवा भी आ गई। कालो हो डुगू, और तो घर बनाया था माफ था, फिर मचिए सब घबराया जाने के लिए। मम्मी का आज ड्यूटी है, सब दिन छुट्टी रहता था बीच में, और आज अचानक से ड्यूटी जाना पड़ रहा है, तो सब लोग घबरा गए हैं। और पिंटू यहाँ पर गाड़ी पर बैठ के इंतजार कर रहा है, कब सब कोई आएगा। बैग यहाँ पर है, चलो गाड़ी में सजा दिया, खाना में सब बस सब तैयारी हो गया है, सिर्फ निकलने की देरी है। चलो हो गया ना, बेटा कौन मिलेंगे नीलम, पानी कौन मिले? ना दूध गर्म करे बाबू के लिए, ज्यादा खुला तुरंत लाए दूध तो थोड़ा गर्म ले का हो। स्टील बोतल है तो स्टील बोतल में थोड़ी दिक्कत होता है, इतना ज्यादा जितना आटा रख लीजिए। डुगू से भी थोड़ा सा है तो मान लो को डुगू तो छुएगा नहीं, डुगू बनाए मत लीजिए। अच्छा ठीक है, जितना आटा उतना ही रखना है, फिर क्या करोगे? उधर बबीता है दिमाग लगा रही है, समझिए लेके जा रहे हैं। ये हम काहे पकड़े हैं जी? बाबू को बैग में डालो, चलिए ना ये बेटा, मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, देख रहे हैं मम्मी वो स्कूटी पर बैठने के लिए चिल्ला रहे हैं। हुआ एक पिंटू यहाँ रख दे इसको, दे रहे हैं घींच के लेके जा रहा है हमको, ये मेरे मामू छूट ना जाए। ठीक है ओ स्कूटी पर इनके पास बैठाएंगे, स्कूटी से जाने के लिए बोल रहा है डुगू। आज ना स्कूटी से ही लग रहा है कि मन जाने के लिए है,
स्कूटी से लेके दिक्कत होगा, स्कूटी पर बैठा हम चले बाइक से। और ऐसे में ना इनको लग गई नींद, सो गए। चल रहे नाना ना, चला चला पानी क्या पिला इसको, चला और गाड़ी निकालते चला। फिर छोड़ दिया हाँ ले ले लो तो चलो ना कम से कम यहाँ तक तू। हाँ चलो ले चलो, दो मिनट रुके या पांच मिनट में कोई कुछ खा लेगी ठीक रहेगा। क्या चीज हर बारी में नहीं पहुँच पाएगी। हाँ आदमी बोलता है ना जितना ही लेट होता है हर बात आदमी उतना ही लेट होता है, बस वही हाल हो रहा है हमारे साथ में। और सोचे कि थोड़ा लेट निकलना है और जोगो से आपको लग रहा है ना कि हमको लोग छोड़ के चल देगा, इसलिए हमको हाथ पकड़े रह गए। चल जाइए नीलम को हाथ दिखने लगा और बबीता ले ली बाबू को ना के मैं तो हवा लगा सकता चलो आगे तो फिर चलो। इसे तो बाबा घुट जा बढ़िया वाला आएगा भी, अभी दूर है लोग दस मिनट हो जाएगा भी तो उतरो दो ना गोदी मत हो हम उधर जा सकते ओके आगे ले चल गोदी मत ना इसको आगे ले लेते हैं दीजिए को देखना फुलबो करता है नीलम देखना बैगो फुलबो कर रहा है फेंका कर ले सही दोस्तों। आ गए तब हम लोग जंगल के पीछे बीच और इतना बड़ा बड़ा सीधा सीधा पेड़ है ना जो कहीं नहीं दिखता है और कितना मस्त तब दिख रहा है, रोड कितना अच्छा है और हमारे मौसम हमारे डुबू साहब एकदम जय जय किए जा रहे हैं। चेक कर दो बेटा एक बार पीछे बैठे बैठे लेकिन आगे बैठ के तो नज़ारा देख रहा था जंगल का इतना मस्त वाला देखने ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीधा लगा ना और पीछे दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए लोकेशन पर जहाँ आना था। अब बस इंतजार हो रहा है कैमरा मैन सबका, थोड़ा देरी में उन लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सब सामान खाली कर ले रहे हैं। सिंगल स्टेन रहे तो क्या दिक्कत है बाबू को गड़िए पर। अरे गिरेगा रे, ये लोग नया नया दिमाग लगाते रहते हैं। पानी पीना है ना खाना खाना है, सिर्फ मासी करना है। जब तक उन लोग नहीं आते तब तक हम लोग खा लीजिए और मेकअप चली करते हैं। लेट होगा ना, गाड़ी मत जाओ, गमछी तेरे बैग में से। अरे सुनो ना, मैं बैग में गमछी निकालो और बाबू का कहने मत छोड़ना, गाड़ी पास यहीं पर हूँ। हाँ चलो चलो उधर जहाँ चलो वहीं चलो, बाबू का कहने मत छोड़ो, छोटा बच्चा है ना। और हाँ गाड़ी लॉक कर दो, बोल दो तुम लोगों को, बोल दो नहीं तो कोई बात नहीं, बाइक चला लेना हम, चला लेंगे स्कूटी एकदम नहीं चलेगा मेरा, कितना दूर होगा। अब हम लोग को चलाए हुआ आदत है। अब ये कितना खुश है, ठीक है आइए हम लोग पहुँच गए ना। चलो चलो आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, चलो गाड़ी उधर चले चलते हैं, दुआ खुलेगा तुम गाड़ी उधर चले चलते हैं। बाबू तक लक्ष्य करेंगे लोग कर रहेगा तू कहाँ आगे लगाते हैं, जो सब वहाँ पर मासी कर रहे हैं ना। देखिए मामा मौसी कर रहा है तो ये हाँ वहाँ पर चलिए, अच्छा जगह है चलिए
आइए बाबू उठाई वही तो गलती कर दिए पप्पू जी का चटाई है तो वो निकल गए ना बुरी ना ले आएंगे। हम लोग घर से तो काफी ज्यादा दूर पड़ा, अब यहाँ आने की बात लग रहा है कि थोड़ा आराम मिल जाता। एक वहाँ झुलवा है दोस्तों, और नीलम बोल रही क्यों नीचे आता तो झूलते झूलने वाला झूलो वो नहीं है, वहाँ झूल सकते हैं। कितना मस्त जगह लेकिन है ना, आगे आ जाओ दिखाते आ जाओ। चलो यार इन लोग को झुलवा पहले दिखा देते हैं, परेशान है कब से पत्ता को कह ना जा तू बबीता तैयार करो रूबी को झुलवा। दोस्तों बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर एक वीडियो का शूटिंग हुआ था, वो लोकेशन रूबी को बहुत पसंद आया तो कहना मैं कि हम वहीं पे जाएंगे, इसलिए हम लोग उसी लोकेशन पे आ गए जहाँ पर शूटिंग किया गया था। ऐसे झुलवा पर ना झुलाया गया था भाभी को। तो ये देखो पिंटू झुलवा यहाँ पे है, ऑटोमेटिक पेड़ का बना हुआ, यहाँ नहीं यहाँ आ जाओ, ये देखो ये टूटेगा तो नहीं टूटेगा, ये झुलवा है दोस्तों चोट लगा चुका, बड़ा डेंजर झुलवा है यार, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, पेड़ का ही है सीधे, ये इसमें कोई रस्सी नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा पेड़ वहां दूर रहता तो मजा आता का। अभी आएंगे ना तो वो देखो कहने का क्या बताते हैं, मस्त झुलवा है ना। अब पिंटू झुलना है थोड़ा सा नीचे आ गया, ऊंचा था बड़ा मजा आता है का, अच्छा लग रहा है ना, टकरा ये भखार झुलवा गाइस टकरा जा रहे हैं आज, बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों सबके साथ में रहेंगे। तो अब देखते पता नहीं भाभी भी आ रहे हैं कि नहीं, और वो लोग पहले आवे इसके बाद। इतना जंगल है ना, थोड़ा भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं खाली धूप आ रहा है सूर्य का, नहीं तो पूरा छाया ही छाया है, और चारों तरफ पत्ता पत्ता दिख रहा है। और हमारे डुगू साहब ये भी आए थे झुलवा झूलने के लिए, झुलवा झूलने जाना है हाँ। अरे बाबू के लिए कुछ खाने के लिए ले आते हैं हम, नहीं है ना बिजली निकाल के, मेकअप करना है कर लो यार, तो इन लोग अभी लोकेशन देखने जा रहे हैं, मस्त एरिया लेकिन है। चला डुगवा जा अंकल वहीं पे बेटा। दोस्तों कुछ अभी निकाल ले रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और सारे कपड़े जो है ना बैग में भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे कितने कपड़े और लिए हुए हैं हम लोग को, लगभग कि 4-6 पीस होगा सब कपड़ा। तो अभी मेन जो है ना कैमरा मैन इंतजार कर रहे हैं और जो सब कोई आने वाले हैं, तो कुछ लोग अभी और हैं जो यहाँ पे आएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग को कैसे क्या स्क्रिप्ट है सब उन लोग के पास में है, कैसे क्या शूटिंग करना है, और लोकेशन जो हम लोग का सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेन पहले यहीं पे करना है, उसके बाद और दूसरा जगह पे हम लोग जाएंगे, तो जहाँ जहाँ जाएंगे ना सब आपको दिखाएंगे। वीडियो ना बेहद ही खास होने वाला आज का, और किस तरह से बेबी पे शूट होता है हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन कैमरा मैन को सब पता है और यहाँ का लोकल है तो उनको हर एक आइडिया है कैसे क्या कहाँ शूटिंग करना है। और आज रूबी को पहली बार वो कपड़े पहनाएंगे जो कभी नहीं पहने थे और ना आप कभी पहनते हुए देखे हुए हैं, और इनका बहुत पहले शौक था कि ऐसा कपड़ा हम पहनेंगे, लेकिन आज छोटा सा बेबी की वजह से मौका मिल गया है, तो शायद वो इनको वो सारे आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगा देखने के लिए। फिलहाल अभी जा रहे हैं रेडी होने के लिए, टाइम बहुत ही कम है, धूप देखिए एकदम सर पे है हाँ। और इनको मेकअप अभी करना है, मेकअप के बाद फिर कपड़े पहनेंगे, तब तक उन लोग आ जाएंगे तो घबरा जाएंगे, बस उन लोग का वेट कर लेते हैं, लेट हुआ ना हाँ लेट हुआ है। दोस्तों जो नेक्स्ट व्लॉग है ना बेहद ही खास है देखने के लिए, सबसे पहले वीडियो को हमारा लाइक कर लीजिए और जितना हो सके फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे यूनिक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।